और आखिरकार मेहनत रंग लाई अली बाबा एफसी के लिए। माध्यतर के बाद जो जिस तरह का खेल खेला अली बाबा ने, काबिले तारीफ। किकऑफ हो चुका है अली बाबा फुटबॉल क्लब वर्सेस ऑल किंग एफसी के बीच। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ विजय लगन, एक तरफ धर्म हेमरम, इनसे डिफेंस खिलाड़ियों को सावधान रहना होगा। एक हेयर स्टाइल की जहां तक बात करें दोस्तों, जर्सी नंबर 4 पर हम लोग देख रहे हैं पीला जर्सी पर अली बाबा फुटबॉल क्लब की तरफ से। ये हेयर कट का जो कलर है, ये मुंबई सिटी एफसी टीम के एक दुरंधर खिलाड़ियों की तरह, जो दुरंध कम में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अब तक किए हैं मुंबई सिटी एफसी की टीम। और जहां तक बात करें पड़ोसी राज्य ओडिशा, ओडिशा टीम में जैसे कि आप सभी जानते हैं रायसन टूडू जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो इस क्षेत्र में खेल चुके खिलाड़ी भी हैं और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पहचान बनवा लेने के लिए एक नामचीन एक व्यक्ति कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी, जैसे कि सुखलाल मार्डी, रायसन टूडू, गोराचंद मार्डी, रघु मुर्मू जैसे खिलाड़ियों को लेके आकर के इस ओडिशा से झारखंड में अपना तड़का मचाने के लिए जो सुरेंद्र कुजूर का भी नाम लेना चाहूंगा। जिस समय कोल्हान टाइगर की टीम हैंडलिंग करते थे उस समय कोल्हान टाइगर के नाम से सारे खिलाड़ी उस समय प्रसिद्ध थे। यही है जर्सी नंबर 10। फुटबॉल की दुनिया में एम्बापे के नाम से इनको जानते हैं हम सभी, जो कि फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर किलियन एम्बापे। आज तो वो यहाँ पर काफी दूर से ही किक किए थे, यहाँ पर क्रॉस बार से ऊपर चली गई और कोई कतरा नहीं। अभी भी मैच की स्थिति 0-0 की स्थिति पर। सुबह से ही पकड़ेगा ये, आप सबों को मैं आगाह कराते हुए आ रहे हैं, जो कि नवजुवक संघ नाकासा कमेटी हमेशा तत्पर रहती है कि टूर्नामेंट बढ़िया तरीका से हो। इस बार अलग ही अंदाज में कमेटी दिख रही है, कमेटी परिवार दिख रही है, जो कि 48 टीम का डिमांड था, 48 टीम पूरा हो चुका है और तीनों ग्रुप में 16-16 करके डिवाइड किया गया है। साइड में खिलाओ, साइड में छोटा देखो, साइड में देखो, छोटा यह है जर्सी नंबर 4 राज कंडियांग। और देखिए 10 नंबर जर्सी पर खेलता हुआ, यहाँ पर गलत पास जरूर दिए हैं वर्ल्ड किंग एफसी के खिलाड़ियों के पास। इस समय तेज गति से गेंद को ले जाने का प्रयास और मौका हो सकता है यहाँ पर 17 नंबर जर्सी पर विजय लगुन
इनका भी हेयर कट बहुत ही गजब का लाजवाब यहाँ पर ब्लॉक करके रख दिए हैं अलीबाबा एफसी की टीम। अब उतना आसान नहीं होगा, ट्राई मार रहे बच्चा, थोड़ा सा यहाँ पर राज कंडियांग के द्वारा मिस्टेक हुआ था यहाँ पर और कॉर्नर किक का मौका इस समय मिलता हुआ वर्ल्ड किंग एफसी के खिलाड़ियों को। जैसे कि मैं आप सबों को बता रहा था, ये ब्रेकअप एफसी के नाम से भी चर्चित और फेमस क्लब और जितने भी अभी वर्ल्ड किंग एफसी के नाम से खेल रहे हैं ये सभी खिलाड़ी ब्रेकअप एफसी के खिलाड़ी हैं। मिलेगा बच्चा, जर्सी नंबर 9 पर इस समय हम लोग देख रहे हैं नरेंद्र बोईपाई फर्स्ट राउंड में गजब का प्रदर्शन किए थे और मौका हो सकता है एक खिलाड़ी को बीट किया है, दूसरे खिलाड़ी को भी बीट कर दिए। यहाँ पर आसानी से गोल दागने में कामयाब हुए हैं, इस तरह से एक गोल की इजाफा अपने टीम के लिए कर दिए हैं। जर्सी नंबर आगे खिलाओ आगे, बस बस वापसी करेंगे या नहीं, कमबैक करेंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। काफी मजबूत टीम एक पिछले मैच में भी उसी का अंदाज में एक पहला गोल काए थे और अभी भी अलीबाबा एफसी की टीम एक गोल जरूर काए हैं क्योंकि वापसी करने में सक्षम है ये टीम। सेकेंड राउंड का ये अंतिम मैच है और थर्ड राउंड का पहला मैच खेलने के लिए तैयार रहेंगे बैटल ग्राउंड एफसी वर्सेस चाईबासा एफसी। निरम निरम दौड़ो बच्चा, आराम से आराम से, इस चलते मैच के बाद कुछ क्षण के लिए खेल को विराम किया जाएगा, कम से कम 10 मिनट का थोड़ा सा आराम दिया जाएगा। इसके बाद का जो खेल होगा वो 10 मिनट तक के लिए थोड़ा सा आराम कर दिया जाएगा। नहीं होगा तो नहीं दे सकते, बहुत अधिक रिकॉर्ड हुआ है, नहीं हो सकेगा तो नहीं देंगे, नहीं हो सकेगा तो नहीं देंगे, बोले बाद में ले लेना।
और तभी से बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। हमारे मसूल ग्रुप के जो हेड हैं, आप लोग कृपया अपना साथियों के साथ हमारे कमेटी मंच के सामने आने की कोशिश करेंगे। तालमेल भी अच्छी, शूटिंग भी अच्छी, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग में उन लोग का आगे पीछे हो रहा है। नामी है करके बोल के का सपोर्ट दे रहे का बहुत आक्रामक। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, खेल का प्रदर्शन होता हुआ इस समय। ओ बच्चा आराम आराम क्यों ना, आराम तो होता है या फिर चलो ठीक है, काफी जबरदस्त शॉट था, बहुत ही लाजवाब शॉट था, लेकिन नहीं पकड़ेगा। बोला तो पीछे इधर देखो, नितेश हेमरम आप जहां कहीं भी हमारे कमेटी मंच मारने की कोशिश करेंगे। सुरधर सामान, दुरेंद्र हेमरम आप लोग जहां कहीं भी है कमेटी मंच मारने की कोशिश करेंगे। बार बार आप सबको अनाउंसमेंट किया जा रहा है। मसूल गोयंग, मसूल ग्रुप, आप लोग जल्द से जल्द कमेटी मंच मारने की कोशिश करेंगे। पीछे पीछे देखोगे
बहुत ही जबरदस्त खेल इस समय दोनों तरफ से देखने को मिलता हुआ। एक घायल शेर की तरह अलीबाबा एफसी वर्ल्ड एफसी पर टूट पड़ते हुए, लेकिन वही कपी चौकन्ना के साथ वर्ल्ड एफसी भी अलीबाबा के हर मनसूबों पर पानी फेरते हुए। और आखिरकार मेहनत रंग लाई अलीबाबा एफसी के लिए। माध्यतर के बाद जो जिस तरह का खेल खेला अलीबाबा ने, काबिले तारीफ। नतीजा जो है दोनों ही टीम के लिए बराबर। ये मैं कहा कि अंतिम समय में, यानी कि